आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का लोकार्पण कर दिया है। पीएम ने लोकसभा में सेंगोल को स्थापित कर दिया। स्पीकर की चेयर के दाहिने तरफ सेंगोल को स्थापित किया गया। आपको बता दें कि स्थापना से पहले सेंगोल को पीएम ने दंडवत प्रणाम किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो श्रमजीवी जिनकी मेहनत के बाद ये नया संसद भवन तैयार हुआ उनको सम्मानित किया गया, शॉल भेंट किया गया और ये उम्मीद की गई इस अनुष्ठान के साथ ही राष्ट्रीय अनुष्ठान के साथ ही कि प्रजातंत्र लोकतंत्र जनतंत्र की जड़ें देश के अंदर और गहरी और मजबूत और सही मायनों में अपने अर्थ को परिभाषित करें। स्पीकर की चेयर के पास सेंगोल को स्थापित किया और खास बात ये कि सर्वधर्म सभा हुई और अलग अलग पंथों के जो गुरु हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। और 10 तस्वीरें देखिए आप आज सुबह से और अब तक की तस्वीरें, जो पहली तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इमारत के पास जो कि लोकतंत्र की सबसे मजबूती को परिभाषित करती है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दूसरा जब पारंपरिक विधि विधान के साथ वहां पूजा अर्चना की गई। तीसरी तस्वीरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेंगोल उनको दिया गया। पांचवी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई संसद पहुंचे तो वहां पर दंडवत प्रणाम किया गया और उन्होंने ठीक यादें ताजा कर दी साल 2014 की जब पहली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश किया था उस वक्त भी दंडवत प्रणाम करके प्रवेश किया था। पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब धर्म गुरुओं के साथ संसद भवन के अंदर सेंगोल लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सातवीं तस्वीर जब स्पीकर के कुर्सी के उनके आसन के दाहिने तरफ इस सेंगोल को स्थापित किया गया। आठवीं तस्वीर श्रमजीवियों से मुलाकात करते हुए उनको सम्मानित करते हुए और संतों का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 10 तस्वीरें और ये नौवीं तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण।